हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है ज़ेरेन फ्रेज। ज़ेरेन फ्रेज क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं जब हम ज़ेरेन फ्रेज को फॉर्म करते हैं, और किसी भी सेंटेंस में किस तरह से वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेजेस की सीरीज में अभी तक हमने नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज को डिस्कस कर लिया है। वो सभी वीडियोज आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। तो जब हम फ्रेजेस की बात करते हैं, फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। अपने सेंस को देने के लिए या अपने को कंप्लीट सेंस देने के लिए सेंटेंस के अदर पार्ट पर डिपेंड करते हैं। तो आज हम ज़ेरेन फ्रेज को डिस्कस करेंगे। ज़ेरेन फ्रेज में होता है कि जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब से कन्वर्ट हो जाते हैं ज़ेरेन में, और एज ए नाउन की तरह वर्क करते हैं। और नाउन का वर्क होता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह आना। प्रीपोजिशन के लिए भी जो नाउन होता है वो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं ज़ेरेन फ्रेज के। जब हम ज़ेरेन फ्रेज को फॉर्म करते हैं या जब ज़ेरेन फॉर्म होते हैं तो उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो ज़ेरेन होते हैं जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आई एन जी को एड करते हैं तो वहां पर ज़ेरेन फॉर्म होता है, जैसे कि एक्ट। एक्ट वर्ब है, वर्ब के बेस फॉर्म में आई एन जी को एड कर दिया जाता है तो ये हो जाता है एक्टिंग। तो ये किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब है, वर्ब कन्वर्ट होती है नाउन में, और नाउन का काम होता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आना और एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आना। तो वर्ब के बेस फॉर्म में चेंजेस करके हम उसे एज अ नाउन का वर्क लेते हैं तब वो ज़ेरेन कहलाते हैं। तो कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि ज़ेरेन फ्रेज है तो सबसे पहले इसमें ज़ेरेन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि नाउन और प्रोनाउन होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होता है। इसके बाद में आते हैं मोडिफायर। मोडिफायर वो वर्ड्स होते हैं जो, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड होते हैं जो मोडिफाई करते हैं उनके मीनिंग को और एनहांस करते हैं। तो मोडिफायर हो सकते हैं एडजेक्टिव हो सकता है जो कि नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करता है, एडवर्ब हो सकता है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को डिफाइन करता है, और फ्रेजेस भी हो सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, वो एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। तो जब हम फॉर्म करते हैं ज़ेरेन फ्रेज को तो उसमें ज़ेरेन आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में मॉडिफायर आएगा, या तो एडजेक्टिव भी आ सकता है या एडवर्ब भी आ सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ज़ेरेन फ्रेज क्या होते हैं, मतलब ज़ेरेन फ्रेज किसी भी सेंटेंस में किस तरह से वर्क करता है। तो जब हम ज़ेरेन की बात करते हैं, जैसे कि एक्ट प्लस आई एन जी एक्टिंग हो गया, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। ऑल्दो ये बने तो वर्ब से होते हैं, वर्ब हमेशा ही एक्शन वर्ड होती है, पोजेशन को बताती है या बीइंग को बताती है, लेकिन जब हम ज़ेरेन की बात करते हैं तो एक जनरल आइडिया दिया जाता है, एक बात बताई जाती है, एक्टिविटी हो नहीं रही होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर फंक्शंस क्या है ज़ेरेन के। तो ज़ेरेन किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आता है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। वर्ब से भी हम सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह वर्क ले सकते हैं, लेकिन उसके फॉर्म में चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर भी फर्स्ट एग्जाम्पल है, ईटिंग हेल्दी फूड कैन मेक यू फील एनर्जेटिक। तो यहाँ पर जो ईटिंग हेल्दी फूड है, ये पूरा ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ज़ेरेन से स्टार्ट हुआ है, नाउन है फूड, फूड को और डिफाइन करा है, फूड कैसा है, हेल्दी है। तो हेल्दी यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है, क्योंकि जो कंपोनेंट हमने डिस्कस करे थे, ज़ेरेन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में या ऑब्जेक्ट से पहले भी मॉडिफायर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर फूड ये एज ए नाउन की तरह आया है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को और मॉडिफाई करा है हेल्दी ने, हेल्दी यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव की तरह आया है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ज़ेरेन फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आया है, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। तो क्या यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रनिंग विद द बॉल इज टॉम्स फेवरेट एक्टिविटी। तो यहाँ पर भी इस हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी वर्ड आता है या ग्रुप ऑफ वर्ड आते हैं वो हमेशा ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी ये बताया गया है कि ईटिंग हेल्दी फूड कैन मेक यू फील एनर्जेटिक, मतलब अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, खाना खाया नहीं जा रहा है, एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक जनरल आइडिया बताया जा रहा है कि अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो इट कैन मेक यू फील एनर्जेटिक, आप एनर्जेटिक फील करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी रनिंग विद द बॉल इज टॉम्स फेवरेट एक्टिविटी।
टॉम की जो फेवरेट एक्टिविटी है वो रनिंग विद द बॉल है, मतलब बॉल अगर मूव कर रही है तो उसको उसके साथ रन करना, रनिंग करना पसंद है। किसी भी तरह की एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है, एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो जेरेंड फ्रेज होते हैं यहाँ पर एक जनरल एक्टिविटी की बात होती है, एक्टिविटी हो नहीं रही होती है। तो यहाँ पर भी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है रनिंग विद द बॉल, अब यहाँ पर रनिंग क्या है, जेरेंड है क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके बनाया गया है विद द बॉल। ये पूरा ही एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एज अ मॉडिफायर की तरह आया है क्योंकि हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट के बाद जेरेंड फ्रेज में हमेशा ही एडजेक्टिव एडवर्ब या कोई भी फ्रेज आ सकता है। तो यहाँ पर विद द बॉल ये पूरा ही एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब क्या है कि जो जेरेंड है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट की तरह आ सकता है और सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब ऑब्जेक्ट की तरह आता है उसी से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि माय फादर लव्स मेकिंग डेजर्ट्स एट होम। तो यहाँ पर आप वर्ब को देखिए, वर्ब कहाँ पर है, लव्स यहाँ पर वर्ब है। वर्ब के बाद हमेशा ही जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड आएगा या वर्ड आएगा या ग्रुप ऑफ वर्ड आएगा वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब के लिए। तो यहाँ पर भी क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है माय फादर, लव्स वर्ब है, वर्ब के बाद आया है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो कि है जेरेंड फ्रेज। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हुआ है मेकिंग से। जब मेक में आईएनजी को ऐड किया गया है तो वो बना है मेकिंग। तो यहाँ पर जो मेकिंग है ये क्योंकि जेरेंड है, नाउन की तरह वर्क करा है, एज एन ऑब्जेक्ट आया है सेंटेंस में। मेकिंग डेजर्ट्स एट होम, मतलब कि जो मेरे फादर है उन्हें घर में डेजर्ट्स बनाना पसंद है। तो डेजर्ट्स बन नहीं रहे हैं, एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन एक जनरल आइडिया हमने दिया है कि उन्हें पसंद है। तो मेकिंग डेजर्ट्स एट होम यहाँ पर एक पूरा ही जेरेंड फ्रेज है, मेकिंग जेरेंड है, डेजर्ट यहाँ पर नाउन है और एट होम जो है ये पूरा ही एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि मॉडिफायर है। नेक्स्ट एग्जांपल है माय फेवरेट एक्सरसाइज इज जॉगिंग अराउंड द ब्लॉक। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, माय फेवरेट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ये पूरा जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, माय यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है, फेवरेट नाउन है और एक्सरसाइज यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आई है। तो इज यहाँ पर क्योंकि एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, इसके बाद जो आने वाला पूरा पार्ट है जॉगिंग अराउंड द ब्लॉक ये पूरा ही एक जेरेंड फ्रेज है क्योंकि स्टार्ट हुआ है जेरेंड से, जॉग में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है, जॉगिंग हो गया है। अराउंड द ब्लॉक ये पूरा जो है अराउंड द ब्लॉक ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये एज अ मॉडिफायर की तरह वर्क कर रहा है जेरेंड फ्रेज के लिए। तो इन दोनों सेंटेंस में जो जेरेंड फ्रेज है वो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया है, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करा है, मॉडिफायर्स के साथ में आया है, जेरेंड ने अब अलोन स्टैंड नहीं करा है, अपने सेंस को पूरा करने के लिए उसने या तो एडजेक्टिव को लिया है, अपने बाद में एडवर्ब को लिया है या किसी फ्रेज को लिया है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन को भी हमेशा ही अपने बाद में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और प्रीपोजिशन के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, क्योंकि जेरेंड वर्क करता है एज अ नाउन और प्रोनाउन की तरह, जेरेंड फ्रेज वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो भी जेरेंड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हॉलीडेज आर परफेक्ट फॉर विजिटिंग फैमिली। तो यहाँ पर जो विजिटिंग फैमिली है आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस में जेरेंड फ्रेज क्या है, जेरेंड फ्रेज वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके बनेगा, विजिटिंग यहाँ पर जेरेंड फ्रेज है, फैमिली यहाँ पर नाउन है, एज अ मॉडिफायर की तरह आया है। तो यहाँ पर हॉलीडेज आर परफेक्ट ये पूरा ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फॉर यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन आया है क्योंकि प्रीपोजिशन को हमेशा ही अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या बना है प्रीपोजिशन के लिए, पूरा एक जेरेंड फ्रेज बना है। जेरेंड भी बन सकता है और जेरेंड फ्रेज भी बन सकता है क्योंकि जेरेंड फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। अब जेरेंड फ्रेज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी आता है किसी भी सेंटेंस में। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो पार्ट होता है या वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके बारे में और डिटेल में बताता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है माई मदर लव्स ग्रोइंग ऑल सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल। तो यहाँ पर एक जनरल आइडिया की बात हो रही है, एक्टिविटी नहीं हो रही है कि मदर जो है वो वेजिटेबल्स को सो कर रही है सॉइल में, वो बात नहीं हो रही है, बट एक जनरल आइडिया की बात हो रही है कि जो मदर है उनको पसंद है लव्स, लव्स यहाँ पर वर्ब है, ग्रोइंग
ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेजिटेबल। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है जेन से स्टार्ट हुआ है, विद मोडिफायर्स आया है यहाँ पर, मोडिफायर्स भी आए हैं वेजिटेबल जैसे कि यहाँ पर नाउन है, ऑफ यहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन की तरह आया है और ऑल यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है। तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें जेरेंट फ्रेज है, मॉडिफायर्स है, एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेजेस है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। तो यहाँ पर एक जनरल आइडिया की बात हो रही है कि जो मदर है उन्हें पसंद है ऑल सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स को सो करना या उन्हें उगाना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जेरेंट फ्रेज को डिस्कस करा है। कंपोनेंट क्या होते हैं जेरेंट फ्रेज के? जेरेंट फ्रेज में हमेशा ही जेरेंट आएगा जो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके बनता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा जो कि नाउन और प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा ही मॉडिफायर्स आते हैं जो फ्रेज को और मीनिंग उसका और एनहांस करते हैं, उसके बारे में और डिटेल से बताते हैं। फंक्शन क्या होते हैं जेरेंट फ्रेज के? ये किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि नाउन की तरह वर्क करता है, किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आएगा, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। प्रीपोजिशन के लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करते हैं जेरेंट फ्रेज, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं जब ये सब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल में बताते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इससे पहले इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट पे हैं, आप वो प्रीवियस के वीडियोस भी देखिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।